मोदी के गढ़ में बीजेपी की हुई करारी हार, जमानत तक हुई जब्त। मोदी और योगी के उड़े होश। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे उत्तर प्रदेश में बज गया है। स्थानीय निकाय की 36 सीटों में से 9 पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। वहीं 27 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 2 निर्दलीय और 1 जनसत्ता दल के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। 24 सीटों पर कमल खिला, लेकिन जिस एक सीट की हार ने बीजेपी के जश्न के रंग में भंग डाल दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी रही। विधान परिषद चुनावों में पूरे यूपी की सबसे प्रतिष्ठित सीट पर वाराणसी में भाजपा अपना जादू दिखाने में बेअसर रही। वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं। 2 दशकों से बाहुबली बृजेश सिंह के परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। इस बार उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने प्रचंड जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अन्नपूर्णा सिंह को 4,234 मत मिले, सुदामा पटेल को महज 170 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। सपा के उमेश यादव को 345 मत मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। वाराणसी के विधान परिषद सीट पर सबकी नजर थी। बीजेपी ने इस बार डॉक्टर सुदामा पटेल को टिकट दिया था, लेकिन जब अंतिम नतीजे आए, बीजेपी का राजनीतिक बुलडोजर जेल में बंद माफिया बृजेश सिंह के किले को नहीं ढहा पाया। बाहुबली बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने रिकॉर्ड 4,234 मत लेकर प्रचंड जीत दर्ज की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जीत का आंकड़ा है।